आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज ADH और वैसोप्रेसिन इज, तो हमें इसके अंदर बताना है ADH जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है गाइज, एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन। सो एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन है हमारा ADH एंड इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। तो ये क्या है? तो गाइज मैं आपको बताती हूँ, हमारे ब्रेन के अंदर तीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है हमारे पास पिट्यूटरी एंड तीसरा ग्लैंड प्रेजेंट है पाइनियल। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पिट्यूटरी एंड तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है पाइनियल। सो पिट्यूटरी से हमारे पास इसके अंदर भी तीन पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है डिस्टलिस मतलब उसका इंटीरियर पार्ट एंड एक होता है इसका इंटरमीडिया मतलब मीडिएट होता है वो दोनों के बीच में एंड तीसरा हमारे पास होता है नर्वोसा मतलब पोस्टीरियर पार्ट। सो नर्वोसा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है, इसके अंदर से दो सिक्रीशन होती हैं। सो पहली सिक्रीशन होती है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा जो हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है वैसोप्रेसिन, जिसका नाम हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ADH दैट इज एंटी डायुरेटिक हार्मोन। सो ये जो वैसोप्रेसिन यहाँ पर है, इसका फंक्शन होता है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे करता है, जो हमारी वॉल्स होती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की। सो ये हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं और हमारा यहाँ पर DCT है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड DCT की वॉल्स की परमिएबिलिटी को ये कंट्रोल करता है उनकी। सो सपोज ये उनकी वॉल है, तो इसकी परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि उनके वॉल से क्या चीज़ें पास होंगी और क्या चीज़ें पास नहीं होंगी, उन सबको कंट्रोल करता है वैसोप्रेसिन। एंड आगे फिर ये कंट्रोल करते हैं कि रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है वाटर का या नहीं। सो इट इज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है उससे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन निकल रहा है एंड वैसोप्रेसिन हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो वॉल परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स की परमिएबिलिटी को पूरा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है एंड स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अल्टीमेटली कंट्रोल करता है ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑप्शंस है हमारे पास इसके अंदर, एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड्स, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी दैट प्रमोट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो गाइज ये आंसर हमारा होगा, मैंने आपको बताया ये हार्मोन भी है, सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, प्रमोट कर रहा है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऑप्शन थ्री भी देखते हैं क्या है, हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब जो ग्लूकोज के प्रोडक्शन में, लाइसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रेकडाउन, तो जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एंड फोर्थ है एनर्जी रिच कंपाउंड कनेक्टेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर होगा हमारा इसके अंदर ऑप्शन टू, वैसोप्रेसिन जो कि पिट्यूटरी नर्वोसा पार्ट से निकल रहे वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इज अल्टीमेटली कंट्रोलिंग द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।